इस लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, जितने भी लॉज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, आप उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या चीज थी, उसके अंदर हमने सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर किया गया लिया, और उसके बाद उसी के बेस पे हमने क्रॉसेस किए, F1 जनरेशन F2 जनरेशन निकाल कर हमने सामने रखी कि कितना डिफरेंस होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स के अपीयर होने के अंदर। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू मूव विद द सेकंड वन, दैट इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज डाईहाइब्रिड? नाम से आप जान सकते, पता चलता है, एज इफ डाईहाइब्रिड मींस टू, डाई मींस टू, दो ब्रीडिंग कैरेक्टर्स हमको इसके अंदर, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमने दो कैरेक्टर्स को लेना है। As I have written here, you can note it down, a breeding experiment dealing with the two pairs of characters at the same time is called as dihybrid cross. एक ही वक्त में जब हम दो characters के साथ, दो pair of characters के साथ deal करेंगे, तब हम बोलते हैं कि ये dihybrid cross है। अब देख लीजिए कि जो दो character Mendel ने choose किए plant के लिए, वो दो क्या थे, पी प्लांट में से दो क्या थे, उसको जानने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर, ऑब्वियसली इफ यू हैव नॉट सीन दैट डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि कुछ मैंने वहां पर आपको 7 कैरेक्टर्स बताए थे कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कौन से चूज किए थे। तो वो 7 कैरेक्टर थे ये, हाइट, फ्लावर पोजिशन, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर शेप, सीड कलर, सीड शेप। और तो इनमें से मेंडल ने दो चीजें चूज की जो उसको एक्सपेरिमेंट के लिए काम देती डाईहाइब्रिड के लिए। क्या क्या था? एक उसने सीड कलर को चूज किया और उसने सीड शेप को चूज किया। ओके, सीड शेप और सीड कलर को उसने चूज करके अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया। अब देख लीजिए, एक सीड शेप और सीड कलर के अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए रिगार्डिंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जब सीड कलर की बात करते, जब हम कैपिटल वाई लिखेंगे इट मींस इट्स येलो, और कैपिटल आर लिखेंगे मतलब यह है राउंड। जब आप ग्रीन की बात करेंगे तो वो स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल वाई, और रिंकल्ड की बात करेंगे तो स्मॉल आर। तो क्या क्या चूज किया उसने? दो कैरेक्टर चूज किए, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक उसने सीड कलर को चूज किया और दूसरा उसने सीड शेप को चूज किया। सीड कलर के लिए कौन सा अल्फाबेट यूज हो रहा है? कैपिटल वाई इज फॉर येलो एंड स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन। एंड एज फार एज द शेप ऑफ द सीड इज कंसर्न, ही टुक कैपिटल आर, दैट मीन्स राउंड, एंड स्मॉल आर, दैट मीन्स रिंकल्ड, झुरियों वाला। क्लियर? अब हमने क्या करना है, हमने इसी बेस पर देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, वो यहां पर करने वाला हूं। अब ध्यान से देख लीजिएगा कि पहले हम राउंड येलो देखेंगे, इस तरह से हो जाएगा ये राउंड येलो, शेप भी आना चाहिए और साइज भी आना चाहिए। उसी तरह से हमने उस F1 जनरेशन के फिर गैमेट्स अलग निकालेंगे, सेम व्हाट वी डिड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, गैमेट्स निकालेंगे, उन गैमेट्स को फिर से हम क्रॉस करवाएंगे, सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास F2 जनरेशन क्या आती है। ओके, तो आप इसको साथ साथ में उतारते भी जाइए और समझते भी जाइए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, साथ साथ में आप इसको समझेंगे भी। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट जनरेशन, दैट इज द पेरेंट गैमेट, यू विल राइट हियर पेरेंट गैमेट। क्या है हमारे पास पेरेंट गैमेट? वो है हमारे पास राउंड येलो। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर राउंड येलो? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। क्लियर? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। देन वी हैव रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन का फॉर्मूला क्या है? वहां आप देख सकते हैं ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। मिल गए गैमेट्स? ये हैं हमारे पास पेरेंट के गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को हम देखते हैं अलग अलग करके, पहले क्या क्या गैमेट्स हमारे पास, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अब चूंकि आपको याद है ये हो गया सिंगल पेयर, ओके ये सिंगल है, तो हमको क्या करने है? हमको दो दो कैरेक्टर्स देने हैं। ओके, ऑलराइट, इन दो दो कैरेक्टर्स को हम लोग कैसे चूज करेंगे? ओके, okay?
करना है तो डेफिनेटली हमारे कंट्रास्टिंग पेयर कितने जाएंगे, दो दो, ये तो मेरे पास गैमेट्स है, लेकिन इनको हमने कैसे करना है, दो दो लेने, ये हो गया एक कैरेक्टर के, दो एलील्स होते हैं, दो कैरेक्टर के लिए कितने एलील्स होंगे, दो जीन्स के लिए चार होंगे, इसका मतलब हमें कितने हो जाने चाहिए, चार होने चाहिए, तो आप इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, अब हो गया मेरा डबल पेयर, डाइहाइब्रिड, टू पेयर आ गए। नाउ सी दिस वन एंड दिस वन हैज टू बी सेपरेटेड फॉर व्हाट, पेरेंटल गैमेट्स को हमने अब सेपरेट करना है देखने के लिए कि है क्या इनके, पेरेंट जनरेशन से गैमेट्स को निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप इनको, सेपरेट कीजिए, ठीक है, सेपरेट कर दीजिए। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 या 2 याद होगा, उसके अंदर मैंने आपको एलील्स के बारे में बताया था, अगर एक के ऊपर ये होता है एक साइड में तो दूसरे साइड में या तो ये होगा या दोनों ये भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, आप इनको सेपरेट कर दीजिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलग से हो जाएगा एक गैमेट, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई अलग से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो हेटेरोजाइगोटिक कंडीशंस हैं, इसलिए। अब सेम यहां पर चलेगा, इनके गैमेट्स को अलग कर दीजिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर। नाउ दिस थिंग इज हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस, we call these are the gametes now separated from the parent generation. अब इनको क्या बोलेंगे, ये हैं हमारे पास actually gametes, ठीक, यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए अभी क्या है हमारे पास, ये gametes हैं। अब इन gametes को हम क्या करेंगे, इनसे हम देखते हैं कि हमारे पास जब इनको हम self cross कराते हैं what are we supposed to get, right, हम क्या लेंगे इसमें से, हम लेते हैं F1 generation की चाहिए हमें, तो F1 generation के लिए हमें इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, self crossing करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस आर को ध्यान से, इस आर को इन दो के साथ करना है, इस आर के साथ भी और इस वाई के साथ भी, फिर इस वाई को इन दो के साथ करना है क्रॉसिंग। तो उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है वो आप देख लीजिए, पहले आपको मिलेगा कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया, ये कैपिटल आर को पहले किया आर के साथ स्मॉल आर, फिर हम कैपिटल आर को ही करेंगे किसके साथ, वाई के साथ, या आप कर सकते हैं कैपिटल वाई को स्मॉल वाई के साथ, इस तरह भी चलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ, पहले इसके साथ किया अब इसके साथ कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसको इसके साथ इस तरह से, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब हम इसको इसके साथ करते हैं। अब जो हमें ये सिचुएशन मिल रही है, आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस वहां पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हमें मिली थी, सब के सब एक जैसे थे एज फार एज देयर फिनोटाइपिक रेशियो इज कंसर्न। अब अगर आप यहां पर इनके नाम देना चाहें तो ये सब के सब क्या है, ऑब्वियसली कैपिटल आर है और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, यहां पे कैपिटल आर इज राउंड कैपिटल वाई इज येलो, दैट मींस ऑल दीज प्लांट्स दैट हैव बीन सेल्फ क्रॉस्ड फॉर F1 जनरेशन दे आर गिविंग अस द सेम टाइप ऑफ फिनोटिपिक थिंग्स दैट इज राउंड येलो, ये सब के सब राउंड येलो, राइट, आर दे, यस दे आर राउंड येलो, व्हाई, बिकॉज़ आर स्मॉल आर, अगर आप बोलेंगे ये कहां गया, दिस स्मॉल आर इज रिसेसिव कंडीशन, ये छुपा रहेगा बिकॉज F1 जनरेशन खुद को दिखा ही नहीं सक रहा है, अब ये इसको दिखाने के लिए डेफिनेटली F2 जनरेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आके डेफिनेटली ये बाहर आएगा और हमें बताएगा कि यस आई एम हियर, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। नाउ दिस राउंड येलो आर द F1 जनरेशन, F1 जनरेशन हमारे पास क्या है, राउंड येलो, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग अहेड, F1 जनरेशन को हमने इनके भी अब क्या करने, गैमेट्स अलग निकाले जो हमने वहां किया था, आई होप दिस हैज अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी। अब हम आगे चल रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब करने वाला हूं ताकि आपने हो सकता है ये लिख लिया हो, आप ये लिख लीजिए अच्छे से, अब हम आगे चलेंगे, इसी की बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे गैमेट्स को, अलग अलग करेंगे और उसके बाद उनको फिर से सेल्फ क्रॉस करा के देखते हैं F2 जनरेशन हमारे पास क्या मिलती है।
ओके नाउ सी एफ वन जनरेशन जो यहां पर थी मैं यहां लिख रहा हूं एफ वन जनरेशन फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई फोर टाइम्स राइट कैपिटल वाई स्मॉल अब ये जो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं ये सब के सब क्या है दे आर राउंड येलो ये मैंने आपको अभी बता दिया Why round it? Because of the dominance of capital R and capital Y. They are round yellow. अब अगर आप आगे चलें कि इनको हमने क्या करवाना है? Yes, हमने इनको भी cross करवाना है और check करना है कि what is happening here? यहाँ पर किस तरह से होगा? अब इनको अलग कर दीजिए पहले. इस R R Y Y को इस R R Y Y. चूंकि ये सब के सब एक जैसे हैं. Right? अब हमें ये हमारे पास कितने आगे characters? ये आगे हमारे पास देखिए ये एक पेयर है ये दो पेयर ये तीन पेयर ये चार पेयर आ गए नाउ वी हैव टू टेक ओनली व्हाट कंसेंट्रेशन हमको कितने लेने हैं कंसेंट्रेशन में हमको डाइहाइब्रिड लेने हैं दो पेयर लेने तो हम दो पेयर ले लेंगे राइट ये एक पेयर है ये दूसरा पेयर है ओके एक और दो एक पेयर ये दूसरा पेयर ठीक है इन दो पेयर को हम अलग निकालते हैं उनके गैमेट्स अलग निकालेंगे देखते हैं हमें क्या मिलता है पहले इनको अलग कीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर ओके कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें से हमने एक निकाला ले लिया है और यहां पर हम एक और ले लिया अभी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हमने ले लिए अब इन्हीं के हम गैमेट सेपरेट करते हैं इनके गैमेट्स हम सेपरेट करेंगे अब इनके गैमेट सेपरेट कर दीजिए आप शाबाश गैमेट सेपरेट कैसे होंगे उस तरह से जैसे पीछे किया था अब इंडिविजुअली पहले इस आर को इन दो के साथ फिर इस आर को इन दो के साथ इस वाई छोटे आर को इनके साथ फिर छोटे आर को इनके साथ इस आर को जब इनके साथ आप करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा दिस आर इन टू दिस वाई दैट इज शाबाश कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर इन टू स्मॉल वाई दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया समझ आ गया बहुत आसान है ध्यान से देख लीजिए कैपिटल आर को इन दो के साथ करना है तो कर दिया इसको इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर को इन दो के साथ करेंगे ठीक इन इसको कर लीजिए आप इसको इन दो को ये कॉमा कर दें ताकि आपको समझ ले आसानी से आ जाए अब कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई देन वी हैव स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हो गए हमारे पास इसके गैमेट्स सेम इसके भी निकाल लें ओके दैट मींस ये क्या है ये हाइब्रिड गैमेट्स हैं हमारे पास एक के दूसरे के हाइब्रिड गैमेट्स क्या होंगे मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा आसान रहेगा इस आर को इनके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई ओके देन वी हैव अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल और कैपिटल वाई एंड स्मॉल और स्मॉल वाई इनका कर दी मैंने इसको इसके साथ किया ये मिला इसको इसके साथ किया तो ये मिला फिर स्मॉल को इसके साथ करके ये और ये दो हमने ले लिए अब हमारे पास ये है देख लीजिए नाउ वी हैव द टू दीज कंडीशंस और वी कैन से गैमेट्स नाउ ठीक है एफ वन जनरेशन के गैमेट्स हमने सेपरेट कर दिए इन्हीं गैमेट्स के बेस पर अब हम चलेंगे आगे F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ये आपको याद रखना है पहले ये लिख लीजिए अपनी जगह पे ताकि आपको ये याद रहे रेगनर करंडल राइट पन्नेट रेगनर पन्नेट एक साइंटिस्ट थे 1927 में उसने एक चीज दी कि किसके ऊपर हम ये F2 जनरेशन यहां पर निकालें उसको बोला जाता है चेकर्स बॉक्स या पनेट स्क्वायर भी आप बोलते हैं अभी ये वाली हम उसी के अंदर लिखेंगे ताकि हमें ढूंढना आसान हो जाए करना आसान हो जाए ओके ये आप आई होप आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैं यहां पे ऊपर लिखना चाहूंगा इसको नाउ व्हाट आर द गैमेट्स यस व्हाट आर द गैमेट्स इट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई
कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नो गैमेट्स वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन वी हैव टू कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके, देन अगेन वी हैव टू गो विथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये गैमेट्स हमारे पास है एक साइड, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. क्रंडल पनेट 1927 में इसने इस चीज को हमारे सामने लाया. अब आप इसको कर दीजिए, सेम हमारे पास गैमेट्स थे, ये वन हाइब्रिड था और वो एक यहां पर दूसरा वाला हाइब्रिड था इसी तरह का, इसको उसमें डाल दीजिए, पनेट स्क्वायर में डाल दी, ओके, जिस तरह हमने कल लिखा हुआ था वहां पर इसी तरह से हम लिखेंगे. लिख लीजिए कैपिटल और कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये हमारे पास एक साइड होगा, ओके, इसको इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू मेक ए बॉक्स, चेक बॉक्स देखा होगा आपने चेस जब खेलते हैं उसी तरह का ये बनेगा, ये हो गया एक साइड, ओके. अब हमारे पास दूसरा साइड है, दूसरा साइड भी सेम है, R Y capital, then we have capital R small y, small R capital Y, small R small y. Separate कर दीजिए इनको. और अब इनको जोड़ दीजिए. अब इनको आपस में जोड़ना है उसी तरह से जिस तरह से कल हमने इसको जोड़ा हुआ था, ओके. आई होप आपको याद होगा वो क्या किया था हमने कल, ठीक है. अब आप इसको इसको इसके साथ करना है. इस पहले इस वाले को हम लेंगे, दिस नंबर वन, दिस हैज टू बी क्रॉस्ड विद एवरी वन ऑफ दिस, ऑल ऑफ फोर ऑफ दिस.